जी कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो गई है सुबह और अभी मैं कर रही हूँ बेडशीट वगैरह को साफ, क्योंकि इसके बाद हमने करनी होती है जैसे साफ़ सफाई करनी होती है, तो फिर जैसे सारी क्लीनिंग करनी होती है, फिर इससे पहले मैं बेडशीट्स वगैरह सेट कर लेती हूँ। और बच्चे हैं, बच्चे 2 मिनट में आके, बस अभी एक आएगा फिर दूसरा उसके ऊपर कूद कूद कर उसको फिर से वैसे ही कर देते हैं, बट चलो हमारा काम है करना, सेट करना है, तो अभी मैं सेट कर देती हूँ। और दूसरा ये ना गद्दा बहुत हैवी है, मेरे से अकेले से होता भी नहीं है सेट, बट अब क्या कहते हैं अभी इसको मैं सेट कर दूँगी अच्छी तरह से, और उसके बाद मुझे किचन में जाना है सीधे, क्योंकि वो भी बहुत सुबह का नाश्ता वगैरह रेडी करना है। तो सुबह सबसे उठ के पहले मैं सारे सेल्फ पेस गीला करके कपड़ा से साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात को पता नहीं कुछ भी घूम हो सकता है शेल्फ के ऊपर। तो अभी मैंने शेल्फ साफ़ कर ली अच्छी तरह से और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में पहले मैं बना लेती हूँ चपातियाँ, क्योंकि चपातियों में ही टाइम लगता है, टिफ़िन वगैरह भी जाने होते हैं, टिफ़िन वगैरह में पैक करके लेके जाना होता है, तो फिर इसलिए मैं सबसे पहले चपाती ही बनाती हूँ उठ के। उसके बाद जैसे मिल्क वगैरह बच्चों को देना या कुछ भी एक साइड पर उसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ, वो अपना मतलब होता रहता है बॉयल, और साथ साथ में मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपनी मतलब ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी। तो लंच में अभी सर मम्मी रहते हैं घर में तो उनका ही रह जाता है, और बाकी तो हम लोग तो अपना अपना साथ साथ में लेके जाते हैं, तो अभी साथ में हो जाता है हमारा ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही होता है। तो अभी फटाफट से बना लेते हैं चपातियाँ। मैं ना बहुत बड़ी चपाती बनाती हूँ, मुझे शुरू से ही आदत है। तो उसके बाद ये मैं बना रही हूँ टिफ़िन में जाने के लिए, कुछ मीठा बना रही थी, तो मतलब 2-3 दिन से लगातार सेवियाँ वगैरह बना रही थी, तो सोचा थोड़ा सा कस्टर्ड बना देती हूँ। बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मा कस्टर्ड बना दो, तो अभी मैंने मिल्क को अच्छी तरह से बॉयल करके कस्टर्ड उसमें घोल के अच्छी तरह से पका लिया है इसको। तो इसको लगातार ना कंटिन्यू चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ये फिर उसमें जैसे वो बन जाते हैं छोटे छोटे, वो क्या बोलते हैं उसको, छोटे छोटे गांठें सी बन जाती हैं। और उसके बाद मोस्टली मैं तो वैसे तो फ्रूट्स वगैरह ही डालते हैं, बट मुझे ना कस्टर्ड में फ्रूट पसंद नहीं है, क्योंकि फ्रूट का फ्लेवर आ जाता है फिर उसमें अलग अलग तरह का ना, फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने अभी ये इसमें थोड़े से रस डाल के, इसमें चीनी वगैरह डाल के, तो अभी इसको वैसे बना दिया। ऐसे अगर आप बनाओगे तो जैसे रसमलाई का टेस्ट आता है ना, ऐसे लगता है बहुत टेस्टी। मेरे बच्चे तो इसको बोलते हैं रसमलाई है, बहुत खुश होके खाते हैं। तो अभी ये हो गया है टिफ़िन के लिए मीठा रेडी, और ये जो मैंने बर्तन वगैरह धोए थे धो के रख दिए हैं, तो मैं कांच के बर्तन स्पेशली जो भी मतलब थोड़े महंगे वगैरह होते हैं, तो उनको मैं एक साइड में लगा के रखती हूँ, बाहर कोई भी ऐसे कांच का सामान नहीं रखती, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं भी चढ़ के कभी भी तोड़ सकते हैं, इसलिए उनको स्पेशल। और ये मैंने जो बड़े बर्तन हैं जिनको भी यूज़ नहीं करती हूँ वो रखे हुए हैं। तो और इसके बाद ये मेरा थोड़ा सा हाँ, इसके साथ भाई मैंने सोचा थोड़ा सा मैं वो बना लेती हूँ, जैसे वो बेसन का चिल्ला होता है ना, वो थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो बेसन का चिल्ला बना रही थी तो इसमें ना, तो ऑफ़िस के लिए रेडी हो गई थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हमारे लिए कुछ और बना दो, हम चपाती नहीं खाएंगे। तो मैंने उनके लिए चिल्ला बनाया था, और ये थोड़ा सा अभी दही तड़का बनाने के लिए सोच रही थी, तो बस थोड़ा सा दही तड़का, क्योंकि टिफ़िन वगैरह रेडी हो चुके थे ना, टिफ़िन के लिए सॉरी बनाना था मुझे दही तड़का, और बच्चों के लिए बना रही थी चिल्ला। और ये देखिए ये पढ़ भी रहा है साथ में, उसको साथ में बिठा के रखा, क्योंकि वो ना किसी के पास बैठ के पढ़ता नहीं अच्छी तरह से। तो अभी मैं बना रही हूँ दही तड़का। अभी ना बरसात में सब्जियों में मैं बहुत मतलब, एक तो हमें टाइम नहीं लग पा रहा है मार्केट जाने का, तो जो घर में होता है अवेलेबल मैं उसी को बना रही हूँ अभी। तो ये मैं दही तड़का बना रही हूँ, इसमें बहुत सारा प्याज डलता है, जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी मैंने कई बार बनाया हुआ है। और दूसरी साइड में कर रही हूँ चूल्हे की तैयारी, ये मैंने इसमें जीरा वगैरह, कटा प्याज, टमाटर और थोड़ी सी अजवाइन वगैरह, नमक और थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह से घोल लिया था। तो इसमें इसको ना थोड़ा सा थिक सा मतलब रनिंग वाटर जैसा इसका मैं बना लूँगी, बैटर बना लूँगी, और इसको अच्छी तरह से मतलब चम्मच के साथ में वो कर लूँगी। और ये टमाटर, टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए हैं, तो जो इसका अपर पार्ट है उसको मैं काट के इसमें डाल रही हूँ, और इसको फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि मुझे ना ऑफ़िस के लिए भी लेट हो रहा है, और फटाफट से बना के टिफ़िन पैक करना है। चपाती वगैरह और मीठा वगैरह मैंने डाल दिया है, फ्रिज में रख दिया ठंडा होना मीठा, तो अभी मैं टिफ़िन अपना भी रेडी करना है, इनका भी रेडी करना है, और
आज ना थोड़ा काम बढ़ा लिया मैंने, और बच्चे ना जिद करने लग गए हम चपाती नहीं खाएंगे, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सोचा तो यही बना देती हूँ थोड़ा सा। तो ब्रेड वगैरह पड़ी रहती है घर में, तो कुछ ना कुछ ब्रेड का बना देती हूँ, बट अभी क्या करूँ जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। तो अभी बन गया है, दही तड़का भी हो गया है रेडी। और ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है इसको ना बहुत। हम लोग ना ऑलमोस्ट तीसरे चौथे दिन इसको ज़रूर खाते हैं, और स्पेशली ये दही का बना होता है ना, थिक थिक सा बनाती हूँ मैं थोड़ा सा। अभी जैसे इसको पकाऊंगी ना तो ये थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है किसी भी सब्ज़ी से, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और अगर आप दो चपाती खाने वाले हो तो आप इसकी जगह चार चपाती खाओगे, इतना टेस्टी लगता है खाने में। और कढ़ी का अलग टेस्ट होता है, इसका अलग ही टेस्ट होता है। तो उधर मेरा बैटर रेडी है, और मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, और ये थोड़ा सा लगा रही हूँ घी। घी लगा के अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने बैटर बनाया है, और इसके बाद इसको मतलब अच्छी तरह से थोड़ी लो आंच पे पकाऊंगी, थोड़ा सा सिकता रहेगा। तो ये नॉन स्टिक पैन है तो ये इसमें मतलब आसानी से अलग हो जाता है। तो ये देखिए चिल्ला भी रेडी है, तो एक एक करके मैंने सारे चिल्ले बना लिए, और बच्चों ने भी मतलब एक दो दो सब ने खा लिए थे, तो हम मैंने भी यही खाया सुबह ब्रेकफास्ट में। सुबह सुबह ना चपाती वगैरह खाने का मन नहीं करता, तो ये शाम का वीडियो है। ऑफिस से आ गई हूँ मैं, और अभी पी रही हूँ चाय, तो थोड़ा सा ना फ्रेश होने के लिए। चाय तो वैसे मैं ऑफिस में पी के आई थी, बट ये देखिए विहान की शरारतें, ये विहान के लिए ला के रखी थी घर में, तो ये कभी देखिए दूध पी रहा है। हम लोग चाय पी रहे थे तो ये भी चाय मांग रहा था, बट मैंने बोला आप दूध पियो, आप बच्चों को चाय अच्छी नहीं लगती है। तो ये आज हमारी कंपनी में फिर से स्नेक निकला, तो मैं उसका पिक दिखा रही थी हस्बैंड को, और उसके बाद ये बच्चे भी देख रहे थे। तो बैठ के थोड़ी सी जो भी मतलब सारे दिन की जो भी हमारी गपशप होती है वो कर रहे हैं हम लोग गपशप, बच्चे भी अपनी अपनी सुना रहे हैं बातें। बस यही तो थोड़ा सा टाइम होता है जब आपस में बैठ के थोड़ी देर मतलब सारे दिन की जो रूटीन है, बस उसके बाद हो गया नाइट का डिनर की तैयारी। तो ये कुछ भिंडी थी, तो वो भिंडी में इसको मतलब थोड़ा थोड़ा पानी लगा था, तो साथ साथ में साफ़ कर कर के, ये देखिए इतने शरारती है ना भाई, गौर से कभी कभी लगता है कि बहुत डर लगता है मुझे विहान से, तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा शरारती है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। हर टाइम इसी की सोच बनी रहती है कि कहीं ये कोई शरारत ना कर दे। तो अभी मैं बना रही हूँ भिंडी, तो ये मैंने डाल दिया इसमें ना प्याज, मैं बहुत मोटा मोटा करके डालती हूँ मैक्सिमम चीज़ों में, या तो मैं प्याज मोटा करके डालती हूँ या फिर ग्रेवी में ग्रेवी बना के ही, वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करते हैं ना वो मैं कभी 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 भी नहीं करती, और या तो मतलब हमेशा मोटा मोटा काट के या तो उसकी ग्रेवी बनाऊँगी या फिर ऐसे ही काट के मोटा मोटा डालूँगी, अच्छे से पकाऊँगी तो अच्छा लगता है मुझे ऐसे। तो फिर अभी बना रही हूँ मैं भिंडी, भिंडी में हमारी साइड जो पंजाबी स्टाइल में भिंडी बनती है ना, उसमें जितनी भिंडी डाली जाती है उतना ही प्याज डाला जाता है। तो ये देखिए भिंडी का थोड़ा सा मैंने इसमें कच्चा प्याज भी डाला है, थोड़ा सा भून के डाला है। तो भिंडी को मैंने थोड़ा सा लंबी लंबी शेप में काटा है, जैसे मैं भिंडी मसाला बनाती हूँ, क्या कहते हैं बेसन वाली भिंडी बनाती हूँ ना, वो वाली भिंडी बना रही हूँ अभी मैं। तो सुबह का थोड़ा सा दही तड़का बनाया था वो भी बचा हुआ है, तो रात में डिनर में ये हो जाएगा, भिंडी हो जाएगी और थोड़ी सी चपाती हो जाएगी। तो अभी हम खा लेंगे वो सारा कुछ, और उसके बाद ये देखिए उसके बाद मैं थोड़ा सा बेसन लेके उसको अच्छी तरह से, साफ़ बेसन है, इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, जो उसका बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म करना है हमें। और या तो भिंडी का आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं साथ में भी डाल के बना देती हूँ, बट ये मैंने मतलब ऐसे भी बेसन डाला जा सकता है, अगर मेरा एक्चुअली मेरा माइंड बाद में किया कि इसको मैं बेसन डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे सिंपल भिंडी पसंद ही नहीं है। तो बाद में डाल दिया बेसन, थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, और इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, एक बहुत ही यूनिक टाइप से भिंडी बनती है। और अगर आपकी भिंडी थोड़ी थोड़ी गिली गिली बनी है ना, तो आप बेसन बाद में भून के डाल दोगे तो और अच्छी लगेगी, और टेस्ट में बहुत अच्छा, जैसे पकौड़े का टेस्ट आता है ना ऐसा टेस्ट आता है। तो ये भिंडी हो गया रेडी, अभी इसको मैं ढक देती हूँ। तो और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारे जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।